नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज नीमच जिले में संजीव मिश्रा मुख्य खाद्य अधिकारी द्वारा आज शहर के प्रमुख चौराहे फवारा चौक पर सौरभ दो डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान खाद मुख्य अधिकारी ने फायर मिल्क की बोतलें मिली है जो कि नवंबर में ही एक्सपायर हो चुकी है, जिसके बाद एक्सपायरी डेट की बोतलों को खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा नष्ट किया गया। एक मामला ऐसा पेश हुआ था जिसके अंदर सौरभ ग्रुप के मैनेजर के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। उस मामले में ये सामने आया है कि जो फुल क्रीम मिल्क के दूध के पैकेट्स थे उनके अंदर 6% तो फैट होना चाहिए और 9% SNF होना चाहिए, जबकि उस मामले के अंदर जब नमूना दूध के लिए जाँच के लिए भेजा गया था तो उसमें 1.5% ही केवल फैट निकला। तो आम जनता के साथ में जो है बारी फिलहाल उसमें देखा गया कि पैसे पूरे 6% फैट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे महंगा दूध का पैकेट जो है फुल क्रीम मिल्क होता है और जबकि उसके अंदर केवल 1.5% फैट ही निकला। और उसी को संज्ञान में लेते हुए आज यहाँ पे मालूम किया गया कि सौरभ दूध की एजेंसी जिसके पास में है तो दोबारा चौक पर यहाँ पे अशोक जायसवाल ने इसकी सफाई की और ये इसका फर्क का नाम है, हालांकि बोर्ड देवगिरी के नाम से लगा हुआ है। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो इन्होंने बताया कि करीबन कितने दिन ये लोग 1.5 लाख रुपये का दूध जो है इनके द्वारा पैक किया जाता है और इनमें शहर में अलग अलग जगहों पर इनके एजेंट के माध्यम से भेजा जाता है। पूरा जांच करने के बाद में यहाँ से फुल क्रीम दूध का भी एक नमूना लिया गया है, इसके साथ में यहाँ पे दही भी काफ़ी मात्रा में रखा हुआ था जो पैक्ड था हनी इंडस्ट्रीज का। उसमें ये देखने में मिला है कि आज उसकी अंतिम दिनांक है यूज़ बाय डेट, मतलब कब वो यहाँ पर आया तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अपना गुणवत्ता जो है खो चुका है। आज एक नमूना उसका भी लिया गया है। रैक में जमा के यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क रखे गए थे जो कि ज़्यादातर बच्चे कंज्यूम करते हैं। हमारा क्षेत्र बस स्टैंड का है और काफ़ी गाड़ियाँ इसी रास्ते से बाहर की तरफ निकलती हैं शहर से, तो बच्चे जिद करते ही हैं फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ से फ्लेवर्ड मिल्क चेक किया गया, तो फ्लेवर्ड मिल्क की तारीखें जो है वो नवंबर में ही निकल चुकी थी, नवंबर 2019 में, और फिर भी वो यहाँ पे मिला। करीबन 70 से 80 लगभग बॉटलों को जो है नष्ट करा के और एक मिला उसका भी लेके भेजा जा रहा है। दो फ्लेवर में थे वो इलायची में और रोज़बेरी में। चौथा चीज़ यहाँ पे जो देखने के लिए मिली कि एक टेट्रा पैक के अंदर दूध रखा हुआ है, उसकी 120 दिन की मियाद है, उसको भी जांच करवाया जा रहा है कि कहीं उसके अंदर किसी प्रकार के कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐसे यूज़ तो नहीं किए जा रहे हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उनकी भी जांच के लिए एक नमूना वो दिया जा रहा है। करीबन 30 पाउच उसके थे और उनकी भी तारीख जो है 5 जनवरी को निकल चुकी थी, तो वो वाले भी सारे नष्ट करा दिए गए हैं और एक नमूना उसकी गुणवत्ता के लिए भी दिया जा रहा है। सर, पूर्व में भी सौरभ दूध पर कार्रवाई हुई थी आपके द्वारा? नहीं, पूर्व में मेरे द्वारा कार्रवाई हुई थी। सर, जैसे आज जितना एक्सपायर के ऊपर अभी ये नष्ट तो करा दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद में इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो है वो लैब में मालूम पड़ पाएगी कि गुणवत्ता किस तरीके की है उसकी, और अगर उसके अंदर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके अंदर नियम अनुसार उसको कार्रवाई। सर, एक्सपायरी डेट का माल बेचना है, तारीख जो निकल रही है उसके लिए भी एक अपने इसमें एक्ट के अंदर प्रावधान दिया गया है, लेकिन लैब से उसका कंफर्मेशन भी आना जरूरी है, तो इसलिए रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और लेकिन किसी के स्वास्थ्य के या कोई जनहानि ना हो किसी प्रकार की, क्योंकि बच्चे का इतनी टॉलरेंस क्षमता नहीं होती है कि इतनी तारीख निकलने के बाद भी उसको कंज्यूम किया जा सके, तो कोई बड़ी है इसी कारण।